नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल और एक हेल्पफुल वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम मिलियनियर कैसे बन सकते हैं आने वाले 5 साल में। अगर हम उस तरीके से मेहनत करेंगे तो हम डेफिनेटली एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। उसका फर्स्ट रूल है अवॉइड बैड डेब्ट्स। जो भी बैड डेब्ट्स है, यानी अपने फालतू के खर्चों को ना पाले। जो भी जैसे फालतू खर्चे आपके कुछ भी अपने लोन पे ले लिया जिसकी ज़रूरत ना हो, वो आपका फालतू का खर्चा है, जो कि आपका सिर्फ एक लाइबिलिटीज है, ना कि आपका कोई एसेट। तो अवॉइड बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट, क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। आप अपने इनकम को कई जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको लगे कि वहां से अच्छा रिटर्न आने वाला है एक लंबे समय तक, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर या किसी अच्छे प्लान में जहां पर आपको एक अच्छी और लाइफ लॉन्ग इनकम की उम्मीद हो। नेक्स्ट हैव अ प्लान। आपका प्लान होना चाहिए, एक क्लियर प्लान, एक क्लियर गोल जरूर होना चाहिए। ये प्लान और गोल आपके 3 हिस्सों में हो तो बहुत अच्छा है, जैसे कि एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कोई भी एक गोल बनाए जो आपका 1 साल तक का एक गोल हो कि आपको ये अचीव करना है, जैसे कोई गाड़ी लेनी या कोई काम करना। और एक मिड टर्म गोल बनाए, जैसे कि आपको एक घर लेना है, तो उसके लिए मिड टर्म जो गोल होता है मिनिमम 3 साल का होता है, और किसी भी बिजनेस को करने के लिए भी आपको मिनिमम 3 साल लगते ही है उसको सेटअप करने के लिए। और लॉन्ग टर्म गोल जो होगा आपका, वो होगा 5 ईयर एंड मोर, जो कि आपका एक ऐसा गोल होगा जिसको आप जल्दी से अचीव करने की कोशिश करेंगे और अपने मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के मदद से इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करेंगे। नेक्स्ट, ऑलवेज वर्क हार्ड। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ये हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख सकते हो आप, उसने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करके ही वो किसी अचीवमेंट पर पहुंचता है। तो हर दम आपको हार्ड वर्क ही करना चाहिए, कभी भी शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। शॉर्टकट जो होगा वो शॉर्टकट ही होगा, छोटे टाइम के लिए होगा, उस टाइम तो आपको रिवॉर्ड दे देगा, फिर उसके बाद फिर आप वहीं पे खड़े हो जाओगे। इसलिए ऑलवेज वर्क हार्ड। नेक्स्ट, कीप लर्निंग। हरदम आपको सीखते रहना है। हम अपने बॉडी के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर अपने माइंड के लिए कुछ नहीं करते, तो हमने अपने माइंड के लिए भी लगातार सीखते रहना है। बुक्स, CD, VCD और मेरी मोटिवेशनल वीडियोस से भी आप बहुत सीख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जो कि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको लगातार आती रहे और आप अच्छे से सीखते रहे, क्योंकि सीखना कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। तो जब तक आप सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। नेक्स्ट है, आस्क फॉर हेल्प व्हेन इन नीड। जब भी आपको किसी की ज़रूरत हो तो उससे हेल्प ले लेनी चाहिए, यानी कि आपकी लाइफ में एक अपना मेंटर जो होना ज़रूरी है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं या जिस भी फील्ड के लिए सोच रहे हैं, आप अमीर बनना, सक्सेसफुल बनना, तो एक ऐसा मेंटर रखिए जिसने उस चीज़ को पहले से अचीव कर रखा हो, चाहे वो आपको ना सिखाए, चाहे आपको वो ना बताए, पर आपको ऐसे मेंटर बहुत सारे मिल सकते हैं। या तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत से ऐसे आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे जिनको देख देख के, सुन सुन कर आप मोटिवेशन होकर और अच्छे काम कर सकते हैं। या फिर आपके आसपास जो आपसे अमीर हो, जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आप उनकी के साथ रहकर भी सीख सकते हैं। तो एक अपना
मेंटर होना ज़रूरी है और हेल्प लेनी ज़रूरी है, क्योंकि बिना हेल्प के आदमी अकेला सक्सेसफुल नहीं हो सकता और अपनी टीम के साथ ही सक्सेसफुल हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, एंड अगर आपको लगे कि ये किसी और के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।